सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर करेंगे, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोशन का इंट्रो दिया था, क्या होता है मोशन, रेस्ट एंड मोशन पढ़ाया था, किस तरीके से वो दोनों आपस में रिलेट करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन हमने पढ़े थे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इसके अलावा हमने वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने वाले हैं, जिसके बिहाफ पे आप इस चैप्टर को इजीली समझ पाएंगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हमने 9th में भी पढ़ी हुई हैं, थोड़ा बहुत हमने इसका 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका यूज आपका थ्योरी पोर्शन में तो होगा ही होगा, एज वेल एज आपके लिए ये न्यूमेरिकल्स में भी हेल्पफुल होंगे। तो इसमें हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, जिसमें जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आप जितना भी कुछ पढ़ेंगे उन सब के नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस चैप्टर की लास्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे डिस्टेंस आपका फर्स्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। अब मैंने जब आपको सेकेंड चैप्टर बताया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो उसमें मैंने आपको बताई थी ये बात कि आपको इस बुक में 11th में आपको जितनी भी टर्म्स आती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, उन सब की डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस की डायमेंशंस होती हैं m0, l1 एंड t0। ये हो गया आपका डिस्टेंस की एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करके एंड फाइनल पोजीशन पे आ जाना। अभी देखिए मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया है, एक नंबर है, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करी हुई है, 0 से 8 तक का है, ABCD 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपके मार्क है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने A से B तक का डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद में डायरेक्ट वो C पे जाता है, C के बाद में फिर वो D पे, मतलब लास्ट पॉइंट उसका क्या है, D। अब जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो आपका यहाँ तक का 8 हो गया। अब क्या होता है कि ये 8 मतलब कि D पोजीशन से आके वापस से ये कहाँ तक आता है, आपका C तक। तो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 8 आपका ये हो गया, देन वापस से ये 2 पीछे आया तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 10। जब इस तरीके से कि आपसे टोटल जर्नी पूछी जाए कि कितना आपने पाथ कवर किया या कितने पाथ लेंथ कवर करी, जितना आप चल के पूरा प्रॉपर एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट, इनिशियल मीन्स कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे लेकर फाइनल आपकी डेस्टिनेशन तक आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं या जितनी पाथ लेंथ कवर करते हैं उसको हम डिस्टेंस से मेजर करते हैं। डिस्टेंस आपका मीटर, इसकी एसआई यूनिट होती है, बट डिस्टेंस आपका किलोमीटर्स में भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करते हैं तो ये आपका क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे डिस्टेंस होता है कि पूरा इनिशियल से फाइनल तक आपने पूरा कवर किया उसको कैलकुलेट करते हैं, बट जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो इसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेते हैं, मींस कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस से शो करते हैं, डिस्टेंस को स्मॉल एस से शो करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। अब इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, जैसे डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर थी, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होती है, मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसलिए आप इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब इसके दो एग्जांपल्स हैं, समझिए। अब ये आपका ए है इनिशियल पॉइंट, यहां से किसी ऑब्जेक्ट ने मूविंग स्टार्ट करी और वो आपका कहां तक आ गया, बी तक।
अब देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा वो घूम के यहाँ तक गए हैं, बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ कितना करेंगे, एक बी से ए, ये जो पॉइंट के बीच की लाइन है सिर्फ आप इतने डिस्टेंस को कवर करते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करते तो हम ये पूरे पाथ को मेजर करते हैं। तो यही डिफरेंस होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में हम पूरा कवर कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। और ऐसे जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल था, बिल्कुल ऐसे ही सेम एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्ट ए से डी तक आया और उसने वापस से वो कहां पे आ गया, बी तक। अब जब अगर डिस्टेंस होता है हम इसको पूरे को कैलकुलेट करते, बट यहां पे बात हमारी किसकी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की। तो आप जब ऑब्जेक्ट यहां तक गया और वापस से यहां पे आया तो मींस उसकी लास्ट पोजीशन क्या है, बी, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए। तो ए से बीच का आप कैलकुलेट करेंगे और इसमें डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं। तो ये था आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद में आपकी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। स्पीड का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपका मीटर्स में मेजर होगा, टाइम आपका सेकेंड में मेजर होगा। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, और स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और आप डायमेंशंस देखिए, स्पीड की डायमेंशंस क्या होती है, एम जीरो टी माइनस वन। सेम वेलोसिटी की डायमेंशंस होती है एम जीरो टी माइनस वन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, उसे आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इट इज अ स्पीड विद डायरेक्शन, मीन्स कि जब आपने स्पीड एक डिस्टेंस कवर किया तो वो आपकी स्पीड थी, बट जब आप स्पीड हो और डायरेक्शन भी हो तो वो आपकी वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी के लिए भी फॉर्मूला आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, और स्पीड के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बट बहुत बार न्यूमेरिकल्स करते वक्त हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल ले लेते हैं। अब वेलोसिटी की प्रॉपर्टीज देखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, एंड एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप स्मॉल एस में लेंगे और टोटल टाइम टेकन आपका स्मॉल टी होगा। एवरेज स्पीड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो या उससे ज्यादा केसेस होते हैं स्पीड के। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं कि किस टाइम पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूलेज आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, और न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। इफ अ पार्टिकल्स ट्रेवल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपका, इफ अ पार्टिकल्स ट्रेवल्स डिस्टेंस एस वन एस टू एंड एस थ्री, इसमें आपको डिस्टेंस तीन डिस्टेंस दे रखे हैं और सेम आपको तीन स्पीड दे रखी है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बट हम तीन से एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस दे रखा है एस वन एस टू एंड एस थ्री और उसकी स्पीड आपको गिवन है वी वन वी टू एंड वी थ्री, तो उस टाइम पे आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होगा एस वन एस टू अपॉन में एस वन एस टू प्लस में एस थ्री, मीन्स की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन आपको निकालना है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, तो पहले आपको टाइम टेकन निकालना है, एस अपॉन में वी वन होता है, तो आप ऐसे तीनों का लिख के डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है इफ अ पार्टिकल्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मीन्स कि एस वन एस टू एंड एस थ्री, ये तीनों आपके एस वन एस टू किसके इक्वल है, आपका एस के इक्वल है, विद द वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू, मीन्स कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है बट जो वेलोसिटीज हैं वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस टाइम पे एवरेज स्पीड क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला है टू वी वन वी टू अपॉन में वी वन प्लस में वी टू। देन थर्ड और लास्ट है इफ पार्टिकल्स ट्रेवल विद द स्पीड। अब जब पार्टिकल्स ट्रेवल करेगा स्पीड वी वन वी टू एंड वी थ्री से ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है स्पीड और टाइम की। स्पीड आपको वी वन वी टू वी थ्री दे रखा है और टाइम इंटरवल आपको दे रखा है टी वन टी टू एंड टी थ्री, तो उस टाइम पे आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, वी वन टी वन प्लस में वी टू टी टू प्लस में वी थ्री टी थ्री डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो टी वन टी टू प्लस में टी थ्री। तो ये था आपका एवरेज स्पीड का। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव स्पीड के बाद नेक्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट।
इन शॉर्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट तो उसे आप रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखिए इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, तो इसके लिए आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखा है वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। वी ए बी, ए और बी आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, दोनों की वेलोसिटीज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन केसेस दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको स्पीड के लिए तीन केसेस से एग्जांपल दिया था, सेम इसी तरीके से आपके पास वेलोसिटी के लिए भी तीन डिफरेंट डिफरेंट केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट देखिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपके सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये ए है और ये क्या है बी, दोनों इस साइड जा रहे हैं, मीन्स कि ये आपके एक्स एक्सिस की साइड जा रहे हैं या फिर राइट साइड, आप जो भी बोलना चाहें, बस ओवरऑल समझना ये कि इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों का एरो किधर है, इस साइड है, ये ए ऑब्जेक्ट है ये बी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वेलोसिटी वी ए होगी और इसकी क्या होगी वी बी, तो उस टाइम पे क्या बनता है फॉर्मूला, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस में वी बी। नेक्स्ट सिचुएशन है, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये ऑब्जेक्ट्स आपके किस डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट में, ऑपोजिट का मतलब आमने सामने हो, ये आपका ए हो गया ये बी, वी ए वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड इधर से आ रही है आपकी वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये आपके प्लस हो जाएंगे और जब सेम डायरेक्शन में होंगे उस टाइम पे ये क्या हो जाएंगे आपके माइनस हो जाएंगे। देन नेक्स्ट सिचुएशन आती है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग एट एन एंगल, अब जब आपके दो ऑब्जेक्ट्स किस में मूव करेंगे विद एन एंगल, अब यहाँ पे एंगल के लिए आपका फॉर्मूला वी स्क्वायर ए प्लस में वी स्क्वायर बी माइनस में टू वी ए बी कॉस थीटा, ये मैंने एग्जांपल दे रखा है, यहां से इसने स्ट्राइक किया और ये आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है, आपका बीटा हो गया और ये यहाँ पे थीटा हो गया, इधर ये बी और इधर एक्स एक्सिस का ये ऐसे ओरिजिन हो गया, ये एक्स है इधर वाई है, इधर की साइड आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो यहां से इसके ऑपोजिट बना। इस टाइम पे अगर ऐसे सिचुएशन आती है जब आप एंगल की बात करेंगे तो आप इस तरीके से निकालेंगे वेलोसिटी, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी, और अगर आप उसको टेन बीटा की फॉर्म में निकालेंगे तो वी बी साइन थीटा अपॉन में वी ए बी, सॉरी वी ए माइनस में वी बी कॉस थीटा, तो ये था आपका रिलेटिव वेलोसिटी का। फिर रिलेटिव वेलोसिटी के बाद में आती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल्स डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, तो चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे आपकी लिमिट, ये लिमिट और डिफ्रेंसिएशन ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे अभी, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में डी टी, जो ये डी एक्स अपॉन में डी टी होता है ये डिफरेंशियल कॉफिशियंट होता है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप डी एक्स अपॉन में डी टी से डिनोट करते हैं। अब जो ये डी एक्स अपॉन में डी टी है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इंस्टेंट, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गई और डायमेंशंस m0 l1 t माइनस वन। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस को बनाया जा सकता है, तो प्लीज आप उन सबकी डायमेंशंस करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद में आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सेम ही होता है ये, इसकी SI यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जैसी होंगी m0, l1 और t-1। आज हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, लाइक एक्सेलरेशन में आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, तो ये जो कुछ अभी और फिजिकल क्वांटिटीज बच गई हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा समझाया हुआ आपको समझ आ रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। And thank you so much. Stay tuned with our channel for more videos.